ऑल राइट अपन जो है कल तक अपन ने बेसिकली इलस्ट्रेशन 7 कर दिए थे, राइट? अपन आ जाते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 8 पे. अगेन इलस्ट्रेशन 8 वेरी इजी, आपको ले चलते हैं इलस्ट्रेशन 8 पे. स्पॉम कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 6, स्ट्रेटेजिक रेवी मैनेजमेंट. देखना क्वेश्चन क्या दे रखा है. बी एन जेड लिमिटेड इज एंगेज इन द मैनुफेक्चर ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ अ स्टैंडर्ड साइज एंड प्रोड्यूस बाय जॉइंट प्रोसेस ऑफ मशीन्स. द फैक्ट्री हैज 5 मशीन्स एंड इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 40 बॉटल्स पर आवर. तो अगर मैं आपको ले चलूँ अपने नोट्स पे, तो मुझे बता रखा है कि भाई मेरे पास जो 5 मशीन है, ठीक है, जो मेरे पास 5 मशीन, वो क्या करती है, दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 40 बॉटल्स पर आवर. ओके, आगे बढ़ते हैं अपन. अच्छा, इसमें बता रखा है कि भाई मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो है 0.4, 0.8 एंड वेरिएबल कॉस्ट है 0.32. तो अगर मैं दे लिखूँ सेलिंग प्राइस है मेरा किसका 0.8 हो गया और वेरिएबल कॉस्ट ने रखा है मेरा 0.32. अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालने की बात करूँ तो कंट्रीब्यूशन मेरा डायरेक्ट निकल जाएगा. कंट्रीब्यूशन मेरा निकल के आएगा करीबन 0.48, राइट? तो कंट्रीब्यूशन जो है मेरा निकल के आएगा 0.48. आई थिंक इधर तक आपको बात समझ में आ गई होगी. ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, बॉटल की. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन. आगे मुझे क्या रखा है कि भाई द कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम अदर कंपनी फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ 40,000 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक मोल्डेड टॉय. तो बेसिकली कंपनी के पास एक और ऑफर आया कि भाई आप जो है एक टॉय बना के दो मुझे, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, 40,000 क्वांटिटी का जो है मुझे टॉयस बना के दे दो. ये पास कंपनी के पास ऑफर आया है एंड वही बता रखा है कि भाई टॉय का जो आपका प्राइस रहेगा वो 30 है, वेरिएबल कॉस्ट 24 रहेगा. तो अगर मैं सेलिंग प्राइस बात करूँ, ये है मेरा 30. वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट, इन लोगों ने कहा कि भाई वेरिएबल कॉस्ट आपका जो है 24 रहेगा. आगे बढ़ते हैं. इसमें रखा है कि भाई इन केस द कंपनी टेक्स अप द जॉब, अगर कंपनी जो है टॉय बनाएगी तो कंपनी को जो है क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल मॉल की रिक्वायरमेंट होगी और स्पेशल मॉल की कॉस्ट जो है 1 लाख आ रही है. तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई आपको जो है एक माउल्ट की जरूरत पड़ेगी, MULD, ये जो है 1 लाख का मेरा माउल्ट रहेगा. आगे बढ़ते हैं अपन. फिर इसने रखा है कि भाई कंपनी का टाइम स्टडी एनालिसिस हमें बताता है कि भाई कंपनी कैन प्रोड्यूस 16 टॉयज पर आर. तो इधर अपन को दे रखी है, भाई कौन मैसेज कर रहा है यार, चैन से बैठे बैठे नहीं देते तुम लोग. 16 टॉयज पर आर हो गया ये, ठीक है. तो बेसिकली अपना जो टाइम स्टडी एनालिसिस है वो मुझे बताता है कि भाई कंपनी जो है क्या कर सकती है, 16 टॉय एक घंटे में बना सकती है. आगे बढ़ते हैं अपन. कंपनी के पास जो है टोटल 10,000 आवर्स हैं. तो इधर एक बार इधर लिख देता हूँ कि भाई कंपनी का जो है टोटल 10,000 आवर्स अवेलेबल हैं. ये मैंने इधर बीच में एक आपको जो है हिंट दे दिया कि भाई कंपनी के पास टोटल 10,000 आवर्स हैं. अच्छा, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द माउंट ड्यूरिंग द पीरियड जो है कितना है, 10 लाख दे रखा है. फिक्स कॉस्ट एंड कंपनी हैज एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 3 लाख बॉटल्स ड्यूरिंग द ईयर. कंपनी के पास जो है क्या है, 3 लाख बॉटल्स का ऑर्डर है. 3 लाख बॉटल्स का ऑर्डर है, इधर लिखते हैं मैंने 3 लाख बॉटल्स का ऑर्डर है. और इधर मैं बात करता हूँ अपने पास, इधर मुझे 40,000 जो है क्या करने हैं, टॉयस बनाने हैं. मेरे पास कितने आर्स अवेलेबल है, 10,000 आर्स. बाइफर्केट करते हैं अपन. अब मुझे एक बात बताओ कि भाई अपन जो है एक घंटे में 40 बॉटल बना पाते हैं तो 3 घंटे में कितनी बॉटल्स बना पाएंगे. तो 3 लाख डिवाइड बाय 40 करो. अगर मैं 3 लाख डिवाइड बाय 40 करता हूँ तो बेसिक मुझे समझ में आता है कि भाई 7,500 आर्स में देखिए क्या कर सकता हूँ. 7,500 आर्स देख के मैं 3 लाख बॉटल्स बना सकता हूँ. 3 लाख जो है मैं बॉटल बना सकता हूँ अपनी. मैंने 3 लाख बॉटल बना दी, बचे कितने, 2,500 आर्स. अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ, आपको जो है 40,000 टॉयस बनाने और एक घंटे में आप जो है 16 टॉय बना सकते हो, तो 40,000 टॉयस बनाने में कितना टाइम लगेगा. तो 40,000 डिवाइड बाई 6 तो 2,500 आर्स. तो जो है मैं क्या कर सकता हूँ, 40,000 जो है क्या कर सकता हूँ, बॉटल बना सकता हूँ. तो बॉटल नहीं, टॉय. इधर तो पूरी कहानी समझ में. अभी लोगों ने क्या रखा था कि कंपनी के पास क्या है, 10,000 आर्स अवेलेबल है. तो हमने कहा बेसिकली कंपनी को कि भाई आप क्या करो, 7,500 आर्स देखिए तो आप जो है अपनी बॉटल्स का ऑर्डर पूरा कर दो और 7,500 माइनस 10,000 जो बैलेंस बचा 2,500 आर्स देखिए आप जो है टॉय बना दो, तो आपका जो है दोनों ऑर्डर फुलफिल हो जाएंगे. इधर तक पूरी कहानी समझ में आ गई आपको. तो पहला पॉइंट वही दे रखा है कि भाई डू यू एडवाइज द कंपनी टू टेक अप द ऑर्डर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक मोल्डेड टॉयज ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इट हैज एन ऑर्डर इन इट्स बुक फॉर द सप्लाई ऑफ 3 लाख बॉटल. हम कहेंगे बिल्कुल आप जो है ऑर्डर ले लो. क्यों ले लो, क्योंकि आपके पास जो है सफिशियंट टाइम अवेलेबल है टू प्रोड्यूस बोथ द थिंग्स, बॉटल एंड टॉय. अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट. अब मुझे एक बात बताना, इन लोगों ने आगे क्या रखा है कि भाई अगर अगर ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ बॉटल इंक्रीजेज टू 4 लाख. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो मेरे पास 3 लाख था, ये कितना हो गया, 4 लाख हो गया. अगर ये 4 लाख बॉटल हो गई है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ डिसीजन लेने के लिए. तो आपको जो है मैं थोड़ा आगे सीन लेके चलता हूँ. जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट ऐड अ न्यू शीट. हाँ, तो मेरे पास इधर अपन क्या बात कर रहे थे, इधर बॉटल की बात कर रहा था मैं और इधर मैं टॉय की बात कर रहा था. ठीक है, मेरे पास आर्स कितने अवेलेबल है, मेरे पास टोटल आर्स अवेलेबल है कितने, इधर मैं लिख देता हूँ 10,000 मेरे पास आर्स अवेलेबल है. ये कह रहा है कि भाई अब जो है ऑर्डर इसका हो गया 4 लाख यूनिट्स का और इधर जो है मुझे 40,000 यूनिट्स बनाने हैं टॉयज़ के. अब मुझे बताओ कि भाई अपन ने इधर एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई अपने को कितना टाइम लगेगा, इधर एक बॉटल को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, एक बॉटल को बनाने में अपने को जो है करीबन कितना टाइम लग रहा था, अगर आप देखोगे 40 बॉटल्स पर आ, तो मुझे 4 लाख डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा. तो मुझे कितने आर्स की जरूरत पड़ेगी, 4 लाख डिवाइड बाय 40, ये बता है करीबन 10,000. तो मुझे इधर जो है 10,000 आर्स देने पड़ेंगे. ये 10,000 आर्स है, 10,000 है, ये टोटल आर्स मेरे पास अवेलेबल है. और इधर अपन ने वही देखा कि भाई 2,500 आर्स. तो मुझे बताओ कि भाई दोनों के ऑर्डर फुलफिल करने के लिए मुझे जो है 10,000 ये और 2,500 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12,500 चाहिए रहेगा. क्या मेरे पास 12,500 अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो अवेलेबल कितने हैं, 10,000 ही अवेलेबल है. तो अब सवाल ये आता है कि भाई हम इन दोनों में कौन सा प्रोड्यूस करें. तो उसके लिए अपन एक ना एक चीज़ करनी पड़ेगी, अपने को ये देखना पड़ेगा कि भाई अपने पास आर्ट्स तो लिमिटेड है 10,000. अब सवाल ये आता है कि भाई इन 10,000 आर्ट्स को मैं जो है क्या करूँ, बॉटल यूज़ करने में लगाऊँ
ठीक है, बॉटल यूज़ करने में लगाऊँ या फिर टॉय यूज़ करने में लगाऊँ, तो अपने को जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे, तो डिसीजन अपन जो है लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे लेते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे ये बताता है कि भाई आप तो ये निकालो कि भाई पर आवर का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, अगर मैं आपको जो है पिछली शीट पर ले चलूँ, तो मुझे एक बात समझ में ये आती है कि भाई इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मुझे एक बात में ये समझ में आती है कि भाई जो मेरी जो बॉटल है ना वो मुझे कंट्रीब्यूशन देती है कितने का, 0.48 पर यूनिट, 0.48 पर यूनिट का मुझे जो है कंट्रीब्यूशन देती है कौन, बॉटल। और अगर इधर की बात करूँ तो इधर मुझे 6 रुपये 6 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मिलता है, 6 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मिलता है किसमें मुझे, भाई कंट्रीब्यूशन हो गया टॉय में। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि भाई मुझे एक चीज़ पता है कि 1 घंटे में 40 बॉटल बन सकती है, राइट। 1 घंटे में अपन जो है 40 यूनिट बना सकते हैं, तो मुझे एक आप ये बताओ कि अगर मैं क्या करता हूँ 1 घंटा, या फिर इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई अगर तो मैं क्या करता हूँ 1 यूनिट बनाता हूँ, 1 यूनिट को बनाने में मेरे जो है कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है कितने का, 0.5। तो मैं लिख रहा हूँ कि भाई 1 यूनिट को बनाने में जो है कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है 0.48 का। तो इसको अपन आर्ट्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, तो अपन इसको ऐसा करते हैं कि भाई आपको मुझे कंट्रीब्यूशन मुझे समझ में आ गया कि भाई इसका 0.48 और इसका 6 है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 1 घंटा मशीन का यूज़ करके क्या करता हूँ, बॉटल्स बनाता हूँ, 1 घंटा यूज़ करके अगर मैं बॉटल्स बनाता हूँ, तो मुझे मेरे का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, तो 40 × 0.48 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा ना मुझे, 40 × 0.48 कितना हो जाएगा ये, 40 × 0.48, 40 × 0.48 करोगे तो या तो करीबन बैठेगा कितना, 19.2, मतलब 19.2 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अच्छा इधर आ जाते हैं अपन कि भाई मैं 1 घंटे में क्या कर सकता हूँ, 16 बॉटल बना सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 16 × 6 करो कितना आ रहा है, 16 × 6 अगर मैं करता हूँ तो ये करीबन बैठेगा 96। समझ पा रहे हो मेरी बात, तो ये सिंपल सी बात मुझे कह रहा है कि भाई अगर आप 1 घंटा जो मशीन का है वो किस में लगाते हो, बॉटल्स में लगाते हो, तो जो है आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा इतना। लेकिन जब जब आप क्या करोगे 1 घंटा आप लगाते हो किस में, बॉटल्स को यूज़ करने में, तो आपको जो है कंट्रीब्यूशन मिलेगा कितने का, 96 का। लेकिन अपन ने इधर एक चीज़ मिस कर दी और वो ये है कि भाई अपन ने क्या करा, इधर फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करा। फिक्स कॉस्ट को अपन को कंसिडर करना पड़ेगा, क्यों कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो मेरा फिक्स कॉस्ट है ना ये स्पेसिफिक अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है, मतलब ये इससे रिलेटेड है। अगर तो मैं बॉटल्स नहीं बनाता हूँ तो मेरा फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा, बॉटल में बना रहा हूँ तो मेरा फिक्स कॉस्ट लगेगा, तो ये क्या है मेरा रिलेवेंट कॉस्ट है। तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, रिवाइज कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 पर यूनिट आया 40,000। तो इधर देखो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाय कितने कितने यूनिट्स है, 40,000, ठीक है। तो 1 लाख डिवाइड बाय अगर मैं 40,000 करता हूँ तो ये बैठे करीब मिल रहा 2.5, तो मैं कर देता हूँ -2.5 कितना हो गया, ये 6 माइनस 2.5 बैठेगा मेरा करीबन ये 6 माइनस 2.5 हो गया मेरा ये 3.5। तो मेरा 3.5 × अगर मैं 40 करता हूँ तो मेरा क्या बैठेगा, ये 16 यूनिट्स है इधर 16। 3.5 × अगर मैं 16 करता हूँ तो ये बैठेगा 56। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ, इधर मैंने क्या निकाला 19.2, इधर मैंने निकाला 56। चलो आपको आगे ले चलते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आई कि भाई मशीन जो है मेरा, मशीन का अगर मैं 1 आर किस में लगाता हूँ, बॉटल बनाने में लगाता हूँ, ठीक है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, अपन निकाला था 19.2, राइट, 19.2। और अगर मैं क्या करता हूँ वही एक मशीन का 1 घंटा मैं किसमें टॉय को बनाने में लगाता हूँ, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आएगा, 56 का। तो आप ही मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई अगर मैं मशीन का 1 घंटा यूज़ करके बॉटल्स बनाता हूँ तो मुझे जो है पैसा, मुझे फायदा होगा 19.2 रुपीज़ का, और 1 घंटा जो है यूज़ करके मैं क्या बनाता हूँ, टॉयस बनाता हूँ, तो मुझे फायदा होगा 56 का। तो मैं क्या करूँगा, बॉटल्स बनाऊंगा। समझ में आ रही बात। तो बॉटल्स का जितना ऑर्डर, मैं बॉटल्स का ऑर्डर फुलफिल करूँगा, और बाकी जो भी बैलेंस बचता है वो मैं क्या करूँगा, किसमें यूज़ कर लूँगा, बाकी जो मेरा बैलेंस बचता है वो मैं यूज़ करूँगा किसमें, अपने बॉटल्स बनाने में। आप देख सकते हो कि मेरे पास 10,000 आर्ट्स अवेलेबल थे, ठीक है। अच्छा मेरी डिमांड कितनी थी, 40,000, 16,000 यूनिट्स की डिमांड इधर थी, 16,000 थी क्या थी, लेट मी चेक। और डिमांड कितनी की मेरी, ये तो 40,000 हो गए मेरे टॉय की डिमांड, और उधर 3 लाख है, हाँ ठीक है, 40,000 की डिमांड है, और इधर कितनी की डिमांड है, 4 लाख की। इधर देखो अब 4 लाख की डिमांड आ रही है। तो मैं इधर ले चलता हूँ कि भाई आपकी जो है इधर डिमांड थी 40,000 की, 40,000 यूनिट, और इधर 4 लाख यूनिट की डिमांड थी। तो मुझे एक बात समझ में आई कि भाई मेरे को पहले प्रेफरेंस देना है किसको, अपने टॉय को, क्योंकि टॉय का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, 40,000 यूनिट को बनाऊंगा, 40,000 डिवाइड बाय 16 करता हूँ मैं, 40,000 डिवाइड बाय 16 करता हूँ, तो मेरा 2,500 आ जाता है। तो 2,500 आर्ट्स में यूटिलाइज करूँगा किसमें, 2,500 आर्ट्स में यूटिलाइज करूँगा टॉय बनाने में, और बैलेंस जो बच गए 7,500 आर्ट्स वो मैं यूटिलाइज करूँगा किसमें, बॉटल बनाने में, ठीक है, बॉटल बनाने में। आपको मेरी बात समझ में आ रही ना भाई, मुझे तो एक बात समझ में आ गई कि अपना जो आर्ट्स है, मशीन आर्ट्स है, वो 10,000 है। अब सवाल ये आता है कि भाई 10,000 आर्ट्स में कितने यूटिलाइज करूँ, पूरे के पूरे यूटिलाइज कर लूँ बॉटल्स बनाने में, या पूरे के पूरे यूटिलाइज कर लूँ किसको, टॉयज बनाने में। तो अपने ये देखा कि भाई 1 घंटे में अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम किस में ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने ये देखा कि भाई 1 घंटे में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आ रहा है अपना टॉयज का। तो मैं ये देखूंगा कि भाई जितनी मेरी टॉयज का ऑर्डर है मैं उसको पहले फुलफिल कर देता हूँ, ताकि मेरा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। और फिर बाकी जो बैलेंस बचे उसके लिए मैंने क्या करा, बॉटल को यूज़ कर लिया। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, यही जो है क्या बोल, इसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। मशीन जो है मेरा क्या लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये मेरा रिसोर्सेज लिमिटेड है,
ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ये मेरा रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इसके लिए अपन डिसीजन कैसे लेते हैं, अपन आप ये देख लो कि भाई जो लिमिटिंग फैक्टर है उसके बेसिस पे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना बेटर है पर आर का, पर केजी का, या फिर जो भी अपने क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। आई थिंक आपको लॉजिकली समझ में आ गई होगी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 10 मिनट हो गए अपने को इस क्वेश्चन को करते हुए। ऑलराइट, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अपन। तो देखो इसमें वही कह रहा है कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि भाई अगर ऑर्डर फॉर द सप्लाई बॉटल 4,000 लाख हो जाती है तो विल यू एडवाइज द कंपनी टू एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर सप्लाई प्लास्टिक मॉडरेटरी। हम कहेंगे बिल्कुल हाँ एक्सेप्ट करो। क्यों एक्सेप्ट करो? क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है, तो आप पहले बॉटल बनाओ, फिर बाकी जो बैलेंस है उसके लिए आप क्या कर लो, बाकी जो बैलेंस है उसके लिए आप जो है बॉटल्स बना देना। आपको बात समझ आ गई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर देखो इसमें दे रखा है कि भाई एन एसोसिएट कंपनी, उससे पहले मैं आपको जो है एक कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश करता हूँ, उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि भाई जहाँ पर आपका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम ही होता है, फिक्स कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेम हो जाता है। इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। इसको आप करोगे तो आपको एक यूनिट्स मिलेगी, यूनिट्स। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स है 10,000। तो बेसिकली ये कहता है कि भाई अगर तो क्या है, अगर तो आपका जो है ऑर्डर 10,000 से ज़्यादा का है तो आप क्या करोगे, 10,000 से ज़्यादा का ऑर्डर है तो आप जो है क्या करना, ऐसा ऑप्शन चूज करना जिसमें आपका जो है फिक्स कॉस्ट ज़्यादा आ रहा हो। या अपने आई थिंक इंडिफरेंस पॉइंट जो है इंटरमीडिएट लेवल पे अपने पढ़ा था। इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। तो ये बेसिकली कहता है कि भाई 10,000 अगर मुझे यूनिट्स बनाने हैं तो आप जो है क्या कर लो, कोई भी ऑप्शन चूज करो। भाई दो ऑप्शन हो सकते हैं एक चीज़ को बनाने में, दो ऑप्शन रहते हैं कि भाई मेरा फिक्स कॉस्ट इनकर करूँ मैं या फिर वेरिएबल कॉस्ट इनकर करूँ। तो ये तो इंडिफरेंस पॉइंट हो गया कि भाई अगर 10,000 यूनिट्स आपको एग्जिट बनाने तो आप कोई भी ऑप्शन चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कहता है कि भाई अगर 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बनाने हैं तो आप क्या करोगे, ऑप्शन चूज करोगे जिसमें आपके फिक्स कॉस्ट ज्यादा लग रहे हैं, और अगर आपको जो है 10,000 से कम यूनिट्स बनाने तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जिसमें आपको जो है वेरिएबल कॉस्ट कम लग रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि भाई इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट और डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। ये जो आंसर निकल के आता है इसका मतलब ये है कि भाई इस लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप कौन सा अल्टरनेटिव चूज कर रहे हो, आपका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बराबर ही रहेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल 10,000 से, अगर फॉर एग्जांपल 10,000 से ज्यादा आपको 20,000 यूनिट्स बनानी है तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि भाई आप जो है चूज करना अल्टरनेटिव कौन सा, फिक्स कॉस्ट वाला, और अगर आपको 10,000 से कम यूनिट्स बनाने तो आप कौन सा अल्टरनेटिव चूज करोगे, वेरिएबल कॉस्ट वाला। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने आपको एक चीज समझाई कि भाई अगर तो इंडिफरेंस पॉइंट जो आ गया 10,000 यूनिट्स तो आपका जो है प्रॉफिट क्या होगा, सेम ही रहेगा भले ही आपने कोई भी अल्टरनेटिव चूज करा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको 10,000 से ज्यादा, मतलब इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा आपको यूनिट्स बनाने, तो आप कौन सा अल्टरनेटिव चूज करोगे, अपने फिक्स कॉस्ट वाला अल्टरनेटिव चूज करोगे। बिकॉज एट दिस अगर आपने ये अल्टरनेटिव चूज करा तो आपका प्रॉफिट जो है ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर आपने ये वाला अल्टरनेटिव चूज करा तो आपका प्रॉफिट कम होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको 10,000 से कम यूनिट्स बनाने तो कौन सा अल्टरनेटिव चूज करोगे, आप वेरिएबल कॉस्ट वाला अल्टरनेटिव चूज करोगे, इसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई मेरा प्रॉफिट जो है मेरा बेसिकली सेम ही रहेगा भले मैं कोई कौन सा भी अल्टरनेटिव चूज करूँ, फिक्स कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट करूँ या फिर वेरिएबल कॉस्ट वाला अल्टरनेटिव चूज करूँ। राइट, अच्छा अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। वो क्या कहने चाह रहा है, एक एसोसिएट कंपनी है बीएनजी एडमिटेड की जिसके पास आइडल कैपेसिटी है एंड इज विलिंग टू टेक अप द होल या पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक मॉडल टॉयज। भाई अपन ने अभी ये देखा ना कि भाई मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मेरे को जो है टॉयस बनाने हैं, मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या क्या करूँ, मैं टॉयस को खुद बनाऊँ और दूसरा ऑप्शन ये कि भाई मैं टॉयस किसी और से बना लूँ। अभी इन लोगों ने कह रहा है कि भाई आपकी एक एसोसिएट कंपनी है जो ठाली बैठी है, तो आप क्या करोगे कि भाई उसको कह सकते हो कि भाई आप जो है मेरे लिए टॉय बना के दे दो। अगर ऐसा होगा तो मुझे जो है फिक्स कॉस्ट इनकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ये लोग कह रहे हैं एन एसोसिएट कंपनी ऑफ बीएनजेड लिमिटेड हैज आइडल कैपेसिटी एंड इज विलिंग टू टेक अप द होल पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्लास्टिक मोल्डेड टॉयज ऑन सब कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस। द सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल्डेड जो है क्या है 28 पर टॉय। मतलब वो सामने वाला जो एसोसिएट कंपनी है वो मुझे कह रही है कि भाई साहब आप एक काम करो, आप टॉयज खुद मत बनाओ, आप जो है हमें ऑर्डर दे दो, हम जो है आपको 28 रुपये में क्या कर देंगे, 28 रुपये में हम क्या करेंगे बेसिकली आपका जो है टॉय बना के दे देंगे। अब इसमें दे रखा है कि भाई डिटरमिन द मिनिमम एक्सपेक्टेड एक्सेस मशीनरी कैपेसिटी नीडेड टू जस्टिफाई प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग एनी पोर्शन ऑफ द टॉय ऑर्डर बाय कंपनी इटसेल्फ। तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर कंपनी खुद बनाएगी तो मतलब उसको फिक्स कॉस्ट इनकर करने पड़ेंगे ना। राइट, तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अपन इधर इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे, इधर अपन क्या करेंगे इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे, तो डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट। तो अपन मैं आपको जो है नेक्स्ट शीट पे ले चलता हूँ। अपन ने देखा इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इनडिफरेंस पॉइंट अपने देखा क्या होता है, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। चेंज इन फिक्स कॉस्ट बताओ कितना हो रहा है, 1,00,000 - 0, क्योंकि अगर मैं खुद बनाता हूँ तो 1,00,000 है, अगर मैं उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कराऊंगा तो मेरा फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं होगा। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इधर आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, 28 - 24, मैं उससे बनवा रहा हूँ तो मेरा 28 लग रहा है, मैं खुद बनाता हूँ तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, 24। तो अगर मैं करता हूँ कितना आता है, 1,00,000 - 1,00,000 - 4 है ये 25,000, तो 25,000 यूनिट्स की बात कर रहा है ये, 25,000 यूनिट्स। ठीक है, तो मेरा इंडिफरेंस पॉइंट कितना निकल के आ गया, 25,000 यूनिट निकल के आ गया। तो इसका मतलब मैंने आपको एनालिसिस समझाया था कि भाई अगर आपको 25,000 से ज़्यादा यूनिट्स बनाने हैं
25,000 से ज़्यादा आपको यूनिट्स बनाने हैं तो आप क्या करोगे, खुद मैन्युफैक्चरिंग करोगे, खुद मैन्युफैक्चर करोगे, खुद मैन्युफैक्चर करोगे। क्यों मैन्युफैक्चर करेंगे? क्योंकि इसमें क्या होगा, फिक्स कॉस्ट वाला अल्टरनेटिव अपन चूज करेंगे। अच्छा, 25,000 से अगर आपको कम यूनिट्स बनाने हैं तो आप क्या करोगे, सामने वाले से कराओगे, सामने वाले से करवाओगे, जिसमें अपन मतलब बेसिकली अपन वेरिएबल कॉस्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें दे रखा है कि अगर आपको 25,000 यूनिट्स बनाने हैं तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको 25,000 से ज़्यादा यूनिट्स बनाने तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जिसमें आपका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपको जो है फिक्स कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो रहा है। तो अपन देखेंगे 25,000 से ज़्यादा बनाए तो मैं खुद मैनुफेक्चरिंग करूँगा, 25,000 से कम बनाए तो मैं मैनुफेक्चरिंग नहीं करूँगा, मैं सामने वाले से कराऊंगा, क्योंकि उस केस में मेरा प्रॉफिट जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दे रखा है कि भाई डिटरमिन द मिनिमम एक्सपेक्टेड मशीन आर कैपेसिटी जस्टिफाइड टू नीडेड टू जस्टिफाई एनी प्रोड्यूस एनी पोर्शन ऑफ टॉय प्रोडक्ट। मतलब खुद से अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे 25,000 से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं एटलीस्ट 25,000 लेके चलता हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि भाई एक घंटे में कितनी यूनिट्स बनती थी, 16 यूनिट्स बन रही थी ना आई थिंक, तो 25,000 डिवाइड बाय 16 ये बैठेगा करीबन 1562.5 आवर्स। चलो देखते हैं इसका आंसर, 1.62 आवर्स। मतलब बेसिकली इसका मतलब यही है कि भाई अगर तो मेरे को क्या करना है, अगर तो मुझे जो है ये वाला ऑप्शन चूज करना है जिसमें मैं खुद से मैन्युफैक्चरिंग करूँ, तो खुद से मैन्युफैक्चरिंग करूँगा मतलब क्या, फिक्स कॉस्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, तो इसका मतलब मैंने इंडिफरेंस पॉइंट से मुझे ज्यादा बनाना है, और इंडिफरेंस पॉइंट कितना है मेरा 25,000, तो 25,000 से ज्यादा बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास मिनिमम एक्सेस कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 1562.5। अगर इतनी कैपेसिटी मेरे पास है तो आप क्या कर सकते हो, खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, आपको जो है फायदा ही होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई अपन एक इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ये होगा कि एक ऐसा प्रोडक्शन लेवल जहाँ पर आपका फिक्स कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, आपका जो है प्रॉफिट सेम आएगा। लेकिन अगर 25,000 से ज्यादा मतलब इन डिफरेंस पॉइंट से अगर आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जिसमें आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट से, और अगर उल्टा 25,000 से कम करना है तो वैसा वर्षा। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बेसिकली आपको जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अगर आपको प्रूफ करना है तो इसको आप एग्जाम्पल से देख सकते हो, आपने कोई भी एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगी कि भाई जो मैंने आपको बताया कि भाई अगर इन डिफरेंस पॉइंट से आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो आप कौन सा अल्टरनेटिव चूज करोगे, फिक्स कॉस्ट वाला, अदरवाइज वैसा वर्षा, ठीक है। आपको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अपन को 17 मिनट लग गए ये क्वेश्चन को करने में, लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार होल्ड कर लो, इसको मैं जब आपको लास्ट कराऊंगा, इस चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, विच मीन्स इसमें थोड़े इक्वेशन फ्रेम करने अपने को, इसको मैं बाद में करा दूंगा आपको। उससे पहले आ जाते हैं फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। राइट, अच्छा आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ये अपने आई थिंक इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स में कहाँ पढ़ी थी अपने, जो 12th में अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते थे उसमें अपन एक चीज़ पढ़ी थी कि अपना प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमाइज होता है, अपना जो प्रॉफिट है वो कहाँ मैक्सिमाइज होता है, प्रॉफिट जो है मैक्सिमम कहाँ होता है, जहाँ पर अपना मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट होता है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होता है, देखो एग्जांपल से आपको समझाते हैं, आपको क्वेश्चन में एग्जांपल भी दे रखा है, आई मीन इलस्ट्रेशन में एग्जांपल दे रखा है, देखना एग्जांपल, देखो ये एग्जांपल भाई, मेरे यूनिट्स कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, मेरा एक यूनिट का प्राइस कितना है 40 है, तो मैं जब एक यूनिट को बेचूंगा तो 0 को बेचूंगा तो 0, एक यूनिट को बेचा तो 40, तीन यूनिट को बेचा तो 40 × 3, 4 को बेचा तो 40 × 160 एंड 5 को बेचा तो मेरा क्या हो गया 40 × 2, तो ये तो मेरा टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया। अच्छा, टोटल कॉस्ट की बात कर रखिए, देखना टोटल कॉस्ट कितना है, 20, 30, 50, 85, 175 एंड 217, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा कि भाई एडिशनल यूनिट बनाने में, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई एक एडिशनल यूनिट को बनाने में मेरा एडिशनल कितना कॉस्ट लग रहा है, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 10, ये हो गया 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20, ये हो गया 20, ये कितना आ गया 35, ये कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 45, तो ये मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि भाई एक एडिशनल यूनिट को बनाने में मुझे जो है कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। तो अपना प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमाइज होता है, जहाँ पर इक्वेशन पढ़ा था मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पर मेरे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए वही अपन क्या करते हैं, तो मेरा एक बात होता है मार्जिन रेवेन्यू कितना 40 है और मार्जिनल कॉस्ट 40 कहाँ रही है, तो मेरा प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमाइज हो गया था, और आप देखो चेक करोगे तो अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमम इधर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली 12th का कॉन्सेप्ट है, पर इसमें ज्यादा घुसते नहीं है, आपको बस अपने एग्जाम्पल इतना ध्यान रखना है कि भाई अपना जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है वो कहाँ पे होता है, मार्जिन रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिन कॉस्ट पे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको दो तीन चीज़ें और समझाने की कोशिश करता हूँ, तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, बस तीन फॉर्मूले आपने ध्यान रख लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो अपने पहले तो पढ़ा कि भाई अपना प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमाइज होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट पे। नंबर टू ध्यान रखना कि भाई नंबर टू आपको ध्यान रखना है कि भाई प्राइस एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, तो इधर मैं आपको लिखा देता हूँ प्राइस जहाँ पर आपका क्या हो रहा है प्रॉफिट, प्राइस जहाँ पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, तो थोड़ा कम कर सकते हैं, प्राइस जहाँ पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी क्यू। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ये होता है कि भाई प्राइस एट विच द डिमांड इज जीरो, ये हो गया ए। क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड बी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इसका जस्ट एग्जांपल आगे दे रखा है, अपन यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। तो पहला फॉर्मूला आपको समझ में आया, एम आर इक्वल्स टू एम सी हो गया,
दूसरा फॉर्मला आपका समझना है कि भाई प्राइस प्राइस जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो फॉर्मला ए माइनस बी क्यू, ए है प्राइस एट विच द डिमांड इज जीरो, माइनस बी 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 क्या लिखेंगे अपन, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, एंड क्यू मतलब अपन बात करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपको फॉर्मला ध्यान रखना है, बस फॉर्मला याद रखना है, एग्जाम में फॉर्मला आएगा, आपको आंसर चेक किया जाना, इसका अपन डेरिवेशन इक्वेशन में घुसने नहीं है। फिर आपको लास्ट दे रखा है कि भाई एम आर का मतलब होता है क्या, एम आर का फॉर्मला क्या है, ए माइनस टू बी क्यू, ठीक है, एम आर का मतलब क्या होता है, ए माइनस टू बी क्यू। तीन फॉर्मला याद रखने आपको, एम आर इक्वल्स टू एम सी, ए माइनस बी क्यू और ए माइनस टू बी क्यू, ठीक है, और ये क्या है प्राइस एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, और ये क्या है एम आर का फॉर्मला क्या होता है। तीन फॉर्मला याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो भी प्राइसिंग चैप्टर से रिलेटेड है। चलो एग्जाम्पल देखना, ये बोल रहा है कि भाई ए एच ई एल प्रोड्यूसेस इट्स ओनली प्रोडक्ट ए सेवन टू मैन्युफैक्चर, यूनिट ऑफ ए सेवन वेरिएबल कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है मेरा, वेरिएबल कॉस्ट है 220,000 का, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 220,000 का, मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा मेरा, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। मार्केट रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5,10,000 नो ऑर्डर विल रिसीव, एट सेलिंग प्राइस ऑफ 5,10,000 आपको कोई ऑर्डर रिसीव नहीं होगा। तीसरा फॉर्मला आपको बताता है एम आर का फॉर्मला क्या होता है, ए माइनस टू बी क्यू। अच्छा अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल मुझे ये बता रखा है कि भाई मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना है 220,000 का दे रखा है, राइट। आगे मुझे इन लोगों ने एक चीज़ बता रखी है कि भाई एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 5,10,000 नो ऑर्डर विल रिसीव, तो मैंने आपको यही बताया था, ए का मतलब भी यही होता है कि भाई प्राइस एट विच द डिमांड इज जीरो, ठीक है, तो अपना ए कितना निकल के आ गया, ए इन लोगों ने बता रखा है मेरे को 5,10,000 का, ठीक है, ए मुझे बता रखा है 5,10,000 का। फिर देखना क्या दे रखा है आगे, बट द डिमांड ऑफ इतना विल बी इंक्रीज बाय टू यूनिट्स, अगर मैं प्राइस को अगर मैंने 5,000 से कम कर दिया मेरी डिमांड बढ़ जाएगी कितने से, टू यूनिट से। तो आपको जो है बी का मतलब समझ आ जाएगा, बी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन, अपन ने ऊपर पढ़ा था चेंज इन, चेंज इन देखो यार, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तो मैं लिखूंगा चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस में कितना चेंज हो रहा है 5,000 का चेंज करने पे आपकी क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है बी, तो आपका टू, तो प्राइस कितना हो जाएगा ये 2,500 हो जाएगा, बी मतलब मेरा निकल के आ गया 2,500। क्यू 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 आपको आगे क्या बता रखा है क्वेश्चन में, आपको निकालना है कि आपको पी निकालना है टू डिटरमिन द यूनिट सेलिंग प्राइस दैट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है, आपको जो है सेलिंग प्राइस निकालना है विच विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बेसिकली आपको जो है ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, पी इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू होता है, आपको प्राइस निकालना है एट विच द प्राइस निकालना है एट विच द प्रॉफिट विल मैक्सिमम, तो मुझे बताओ कि ए कितना दे रखा है आपको 5,10,000, ठीक है, बी 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 भी अपने निकाला था 2,500, ठीक है, पी अपने निकाला था 2,500, क्यू अपन को पता नहीं है, ठीक है, क्यू अपने को पता नहीं है और पी भी अपने को पता नहीं है, पी तो अपने को निकालना ही है वैसे, राइट। अच्छा ये तो हो गया अपना पी, अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, एम आर अपन निकालते हैं, एम आर एम आर एम आर, तो ये अपना एक तो फॉर्मूला बना है, इसको मैं गोला मार देता हूँ, अपने को पता है एम आर क्या होता है, हाँ एम आर का फॉर्मूला होता है ए माइनस टू बी क्यू, ठीक है, एम आर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस टू बी क्यू, और एम आर की एम आर कुछ एम सी होता है तो मैंने लिख दिया एम सी, एम सी कितना होता है 220,000, अपने को क्वेश्चन में दे भी रखा है, देखो ये रहा 220,000। अच्छा ए मैंने अपने निकाला क्या, ए निकाला मैंने 5,10,000 माइनस टू बी क्यू, टू इंटू बी कितना है 2,500 और इंटू क्यू करा मैंने, ठीक है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन बना, ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, इस क्यू की वैल्यू को आपने इधर पुट करा तो आपको पी मिल जाएगा, तो इसको सॉल्व करना आपको आंसर जो है पूरा जो क्वेश्चन में दे रखा है वही मिल जाएगा, तो आपको जो है आंसर मिलेगा पी 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 पी, देखो पी आपको मिलेगा 3,65,000 का, ठीक है, मैं आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करा ताकि अपना समय बचे, बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको जो है आंसर मिल जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको जो है पता चल जाएगा अभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, प्राइस एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम या फिर प्रॉफिट मैक्सिमम किस लेवल पे होगा या फिर एमआर पूछेगा, तो आपको तीन फॉर्मूले ध्यान रखने, तीन फॉर्मूले का सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, इन्फॉर्मेशन पुट करना आपको जो है आंसर मिल जाएगा, राइट। इसके डेरिवेशन में अपन घुसरे नहीं कि भाई ऐसा क्यों होता है, भाई प्राइस ए माइनस बी क्यू क्यू होता है, ए माइनस टू बी क्यू क्यू होता है, एम आर इक्वल्स टू एम सी, तो एग्जाम्पल दे रखा था इन लोगों ने, तो मैं आपको एग्जाम्पल के बेसिस समझा समझा दिया कि भाई एम आर इक्वल्स टू एम सी अपना प्रॉफिट मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि अपने को फिगर्स बता रहे हैं कि भाई मैक्सिमम होता है, ठीक है, ओके अपन कहाँ थे, आ जाओ या आपको कराते हैं लास्ट वाला एग्जाम्पल, हाँ प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स दिस दैट, जैसे बकवास दे रखा है, थ्योरी है कुछ काम की नहीं लग रही मुझे, अगर आपके एग्जाम में थ्योरी आ भी जाती है तो आप कॉपी खोलना एंड चेप देना, ओके अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, वेरी इजी, कितने मिनट का लेक्चर हो गया ये, 25 मिनट हो गया कि ऑल राइट, समझने की कोशिश करना। बॉस लिमिटेड एक कंपनी है, बॉस लिमिटेड एक कंपनी है, डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट, हैज डेवलप्ड अ स्पेशल प्रोडक्ट, डिटेल्स आर एज फॉलोस, द प्रोडक्ट विल हैव अ लाइफ साइकिल ऑफ 5,000 यूनिट्स, ठीक है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कितनी दे रखी है, 5,000 यूनिट की लाइफ साइकिल बता रखी है मुझे, इट कैन इट इज एस्टिमेटेड दैट मार्केट कैन अब्सॉर्ब फर्स्ट 4,500 यूनिट्स एट 64 पर यूनिट एंड देन द प्रोडक्ट विल एंटर द रिक्लाइनिंग स्टेज, द कंपनी एस्टिमेट्स द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर, डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, डायरेक्ट लेबर लग रहा है मेरा 6 पर आवर का, डायरेक्ट लेबर लग रहा है मेरा कितने का, 6 पर आवर का, ठीक है, फिर अदर वेरिएबल कॉस्ट है मेरे 19 पर यूनिट के, अच्छा फिक्स कॉस्ट इन लोगों ने बता रखा है 40,000 है, अच्छा लेबर रेट एंड बोथ ऑफ दिस कॉस्ट विल नॉट चेंज फॉर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, इन लोगों ने बता दिया जो भी आपका कॉस्ट है वो जो है पूरा चेंज नहीं होने वाला,
अच्छा फिर मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अपने को जो है टोटल 5000 यूनिट्स बनाने की है, राइट। अपने को जो है टोटल क्या बनाने की है, 5000 यूनिट्स बनाने की। मैं लिख देता हूँ, अपने को जो है टोटल 5000 यूनिट्स बनाने की है, 50 नहीं 5, ठीक है। द फर्स्ट बैच ऑफ 100 यूनिट्स विल टेक 1000 लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस। तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो आपका 100 यूनिट्स बनेंगे ना, फर्स्ट बैच जो 100 यूनिट्स का बनेगा उसके अंदर जो है 1000 आवर्स लगेंगे। एंड देर विल बी 80% लर्निंग कर्व दैट विल कंटिन्यू अंटिल 2500 यूनिट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड। एंड बैचेस आफ्टर दिस लेवल विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज 25th बैच। एंड बैच साइज जो है कितने की है, 100 यूनिट्स के। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई आप जो है एक बैच में 100 यूनिट्स बनाओगे, ठीक है, तो आपको टोटल बैचेस कितने लगेंगे, 50, 5000 डिवाइड बाय 100 कितने हो गए आपके, ये 50 बैच हो गए, ठीक है। तो 50 बैचेस आपके हो गए, 50 बैचेस में आपको जो है टोटल प्रोडक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ फाइनल 500 यूनिट्स दैट विल अलाउ द कंपनी टू अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 80,000 फ्रॉम द प्रोडक्ट इफ द एवरेज टाइम फॉर 24 बैचेज इतना, ठीक है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, एक लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है, मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उससे पहले मैं आपको जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन लर्निंग कर्व पे भी कूदेंगे। देखना मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, डायरेक्ट लेबर को भूल जाओ, ये अपन डिराइव करेंगे थोड़ी देर में। इसको बस मान लो कि भाई इतना कैलकुलेट हो चुका है, अपने कैलकुलेट कर दिया है। वेरिएबल कॉस्ट कितने लगेंगे, टोटल 5000 यूनिट्स है, टोटल मेरी जो है 5000 यूनिट्स है, इंटू मैं कर दूंगा कितना, 19। टोटल 5000 यूनिट्स है, इंटू मैंने कर दिया 19, ये हो गया। फिक्स कॉस्ट 40,000 दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे 40 प्रॉफिट बता रखा है 80,000 का, तो टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट में से मैंने डिजायर प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो मैंने एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू आ गया इतना। अच्छा, इन लोगों ने मुझे बता रखा है कि भाई जो है आपका 4500 यूनिट्स है ना, उसको आपने इतने पे बेच दिया, तो मैंने देखा कि भाई 4500 यूनिट्स को जो मैं 64 पे बेच दूंगा तो मेरा आंसर निकलेगा इतना। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 16,490। अच्छा, 16,490 जो है मैं कितने से कमाऊंगा, 500 यूनिट से कमाऊंगा। तो एक यूनिट से मुझे कितना चार्ज करना पड़ेगा, एक यूनिट से मैं चार्ज करूंगा 32.98, ठीक है। बहुत ईजी मैथ है, कुछ नहीं कर रहे अपन, समझ गए ना आप। अपन बस कुछ नहीं, सबको ऐड कर दिया मैंने, ये देखा कि भाई मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होगा। टोटल प्रॉफिट मुझे इतना होना चाहिए था, ठीक है, टोटल प्रॉफिट इतना होना चाहिए था, उसमें से मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया, तो बैलेंस जो बचा है, बैलेंस जो चीज़ बची है, वो मैं किससे कमाऊंगा, 500 यूनिट से कमाऊंगा, तो पर यूनिट का मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब सवाल आता है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसमें और क्या ही एक्सप्लेन करूँगा, तो बहुत बेसिक है, बेसिक थिंग है। मतलब ये बोल रहा है कि भाई 5000 यूनिट्स आप बेच सकते हो, 4500 आपने यूनिट्स इतने पे बेच दी, बाकी जो बैलेंस अमाउंट है ना उसको आप कितने यूनिट पे बेचोगे। तो हम ये देखेंगे भाई मैं टोटल कितना कमाना चाहता हूँ, मैं इतना कमा लिया, जो बैलेंस बचा उसको डिवाइड बाय मैंने कर दिया 500 से, तो मेरा जो डिफरेंशियल अमाउंट आ जाएगा क्या, पर यूनिट का कितना मुझे निकालना है। अब देखो अपन ये निकालते हैं डायरेक्ट लेबर अपन ने कैसे निकाले। अच्छा, उससे पहले मैं आपको जो है मुझे कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा लर्निंग कर्व का, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम में टेस्ट कर सकता है। तो अपन ट्राई करते हैं 15 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लर्निंग कर्व का मतलब क्या होता है, अपन को समझने की कोशिश करते हैं। लर्निंग कर्व का मतलब ये होता है कि भाई मैं ये रोहन है, रोहन को जो है एक यूनिट को बनाने में पहले जो है क्या लगते हैं, 100 आवर्स लगते हैं, ठीक है। फिर रोहन जो है क्या करता है, लगातार लगातार काम करता है। फिर रोहन को जो है अब 2 यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगता है, 90 आवर्स, ठीक है, समझ लो। फिर यह है रोहन, फिर रोहन वापस आया 4 यूनिट्स को बनाने में, अब रोहन को लगते हैं कितने, 90% कर दो, 81 आवर्स। तो लर्निंग कर्व का मतलब ये होता है कि भाई मैं जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा काम करूँगा तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ती है, समझ रहे हो ना। तो मैंने जो है, मैं नया नया बंदा होता हूँ तो मेरे को जो है एक काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब जैसे मुझे उस काम की आदत हो जाती है तो उसी काम को करने में मुझे जो है कम समय लगता है। तो लर्निंग कर्व मुझे ये बताता है कि जैसे ही आप अपने आउटकम को क्या करोगे, डबल करोगे, जैसे ही आप अपने आउटपुट को क्या करोगे, डबल करोगे, ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल 90% आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल एक यूनिट को बनाने में मुझे 100 घंटे लग रहे थे, ठीक है, तो मेरे को टोटल घंटे कितने लगे एक यूनिट को बनाने में, 100। अच्छा, 2 घंटे, अब ये कह रहा है कि भाई 90% आपका एफिशिएंसी, जैसे मैंने आउटपुट का डबल करा, जैसे मैंने आउटपुट को क्या करा, डबल करा, क्या हो गया, जैसे मैंने अपने आउटपुट को डबल करा, तो मुझे जो टाइम लगेगा ना, एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, वो क्या हो जाएगा, 10% से कम हो जाएगा। मतलब बेसिकली 90% हो जाएगा जो आपको पहले लगा रहे थे। तो 100 का मैंने 90% करा तो कितना गया, 90। मतलब अब मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई जो सेकेंड यूनिट बनाऊंगा उसमें मेरे को समय कितना लगेगा, फर्स्ट यूनिट का 90%। तो आप ये समझो कि भाई 100 का 90% करा तो कितना आ गया, 90 आवर्स, समझ पा रहे हो आप। एंड जैसे फिर मैंने अपने आउटपुट को और डबल करा, मैंने जैसे अपने आउटपुट को वापस डबल करा, तो आगे मेरी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आगे मेरी एफिशिएंसी हो जाएगी 90%। मतलब अब जैसे मैंने आउटपुट को डबल करा तो मुझे कितना टाइम लगेगा प्रोड्यूस करने में, आपको जो है 81 आवर्स लगेंगे। तो ये जो है एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन यूनिट, 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में एवरेज टाइम कितना लगेगा। तो जैसे जैसे मैंने आउटपुट डबल करा, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, तो मेरी जो है लर्निंग कर्व 90% है। मतलब पर यूनिट को बनाने में जो मेरा टाइम लगेगा वो 90% ही होगा इन कंपैरिजन टू जो मैं पहले बना रहा था। मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, या ऑल सेट, समझ पा रहे हो आप। तो इधर देखो,
81 इंटू फोर करो, 81 इंटू फोर करो तो कितना आ रहा है, 324 आ गया। एक यूनिट को बनाने में मुझे 100 घंटे लगे, दो यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगे, 180, राइट। तीन यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगे, 324, राइट। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो अगर इसका आप करोगे 180 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 90 आ जाएगा, 324 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 81 आ जाएगा। तो ये क्या है, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन यूनिट। तो एक घंटे एक यूनिट को बनाने में मुझे 100 घंटे लगे थे, दूसरी यूनिट को बनाने में मुझे कितना समय लगेगा, दूसरी यूनिट को बनाने में मुझे 90 आवर्स लगेंगे, मतलब पर यूनिट को बनाने में 90 आवर्स लगेंगे। तो 90 × 2 कर दूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। तो मतलब एक यूनिट को बनाने में 100 घंटे, दो यूनिट को बनाने में मुझे टोटल कितना लग रहा है, 180। तो अब मेरा एवरेज टाइम कितना हो गया, 90। फिर मैंने जैसे आउटपुट डबल करा तो अगेन मेरा एक यूनिट को बनाने का समय 90% रह गया इन कंपैरिजन टू प्रीवियस। तो 90 का 90% करा तो 81, मतलब एक यूनिट को बनाने में अब मुझे जो है 81 आवर्स लगेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि भाई 81 इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा 324। या आप ऐसा भी देख सकते हो कि भाई दो यूनिट को बनाने में वो कितना समय लगा, 180 आवर्स लगे, राइट, 180 आवर्स लगे। अच्छा, तीसरी यूनिट को बनाने में कितना समय लगेगा, चौथी यूनिट को बनाने में कितना समय लगेगा, तो अपने कहा कितना 81, ठीक है। क्या हुआ इसको, हाँ सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, दो यूनिट को बनाने में मुझे जो है 180 घंटे लग रहे थे। अब मुझे पता चल गया कि भाई अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आउटपुट को डबल करा, जैसे मैंने अपने आउटपुट को डबल करा तो मेरी जो है एफिशिएंसी कितनी हुई, 90%, मतलब 90 का क्या हो गया, 90%, मतलब 81 आवर्स। तो 81 आवर्स इंटू अगर मैं 4 करता हूँ, 81 × 4 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 324। तो 324 माइनस 180 करोगे, 324 माइनस 180 आपने करा कितना आया, 324 माइनस 180 करोगे तो आपका कितना आएगा, 144। तो ये कितना हो गया, 324 माइनस 180 करोगे तो आ जाएगा 144। तो टाइम टेकन टू प्रोड्यूस थर्ड एंड फोर्थ यूनिट कितना हो गया, 144, हाँ 144 डिवाइड बाई 2। समझ पा रहे हो आप, ये 72 का मतलब क्या है कि भाई थर्ड और फोर्थ यूनिट को बनाने में मेरे को जो है एवरेज टाइम कितना लगा, 72। अभी अपन ने ये देखा कि भाई चार यूनिट को टोटल बनाने में मेरा एवरेज टाइम कितना लग रहा है, 81। अच्छा, दो यूनिट को बनाने में मेरा एवरेज टाइम कितना लग रहा है, 90। एक यूनिट को बनाने में मेरा एवरेज टाइम कितना लग रहा है, 100 का। जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट गाइस, तो मैंने आपको जो है लर्निंग का बताया था, मैं एक बार वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लर्निंग कब का मतलब ये होता है कि भाई आपका एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन यूनिट कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई एक यूनिट, तो फॉर एग्जांपल आप जो है एक यूनिट को बना रहे थे कितने में, एक यूनिट को बना रहे थे कितने, 100 घंटे में, 100 आवर्स में, ठीक है। तो लर्निंग कब जो है मेरा बताता है कि जब अगर आपने आउटपुट को डबल कर दिया तो क्या होगा, पर यूनिट के बेसिस पे जो आपका एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस यूनिट है वो क्या होगा, कम होता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अपनी मैंने अज्यूम करा कि भाई मेरा लर्निंग का 90%। तो अभी अपन ने ये देखा कि भाई अगर आप एक यूनिट को बनाने में 100 घंटे लगा रहे थे तो आपको जो है दो यूनिट को बनाने में एवरेज टाइम कितना हो जाएगा, 90%। तो 100 का अगर मैं 90% करता हूँ तो कितना आता है, 90। तो ये है एवरेज टाइम, 90 करा मेरा एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस, मतलब ये मुझे बताता है कि भाई अब क्या होगा, जैसे आप दो यूनिट्स बनाओगे तो आपका एवरेज टाइम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एवरेज टाइम कितना हो जाएगा, 90, तो टोटल कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे मैंने अपने आउटपुट डबल करा तो मेरा एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस फोर यूनिट्स कितना हो जाएगा, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस फोर यूनिट्स मेरा हो जाएगा 90 का 90% करोगे तो आएगा 81, 90 का 90% करोगे तो आएगा 81 आवर्स। तो टोटल कितना होगा, 324, ठीक है, ये कितना है, 100। तो मुझे बात समझ में आई आपको कि भाई एक यूनिट को बनाने में 100 घंटे लग रहे हैं, दो यूनिट को बनाने में एवरेज टाइम कितना लगेगा, 90। लर्निंग का मुझे ये बताता है कि भाई जैसे ही अपने आउटपुट को आप डबल कर दोगे, जैसे ही आपने अपने आउटपुट को क्या करा, डबल करा, जैसे ही आपने आउटपुट को अपना डबल करा तो आपका जो एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन यूनिट है वो क्या होगा, कम होता रहेगा, या फिर वो 90% हो जाएगा प्रीवियस लेवल का। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आपको जो है मैं कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से, और वो एग्जांपल यही है। जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट पेज। तो मेरे पास इसके नोट्स बने हुए हैं, मैं आपको नोट्स के बेसिस पे जो है आपको पूरा एग्जांपल समझाता हूँ। कौन सा कलर लेते हैं अपन, यही लेते हैं, चलो। तो अपन पूरा एग्जांपल फ्रेम कर देते हैं कि भाई आपके यूनिट्स कितने हैं, 1, 2, 4, 8 और 16। मैंने आपके लिए पूरा एग्जांपल फ्रेम कर रखा है। अच्छा, इधर मैं लिख देता हूँ कि भाई एवरेज लेबर आवर्स कितने लगेंगे, इधर तो मैंने बताया आपको 100 है, ठीक है, और इधर लिखता हूँ मैं टोटल कितना हो रहा है। अच्छा, मैंने 100 का 90% करोगे तो आएगा 90, 90 का 90% करोगे तो 81, 81 का 91% करोगे तो आएगा 72.9, और 72.9 का 91% करोगे तो 65.61, ठीक है। अच्छा, ये तो गया एवरेज टाइम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100, 19 × 2 कितना हो गया, 19 × 2 कितना हो गया, इसको ले लो आप 180, ठीक है। फिर कितना हो गया, 324, फिर कितना हो गया, 583.2, और फिर कितना हो गया, 1049.76। आपको बात समझ आई, ये पूरा एक तो आपका टेबल इसको बना लेना अपनी किताब में, ठीक है, ये 16 है। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अब मुझे ये निकालना है कि भाई मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई
16 यूनिट्स को बनाने में मेरा जो है एवरेज लेबर टाइम कितना हो जाएगा 65.16। बस जैसे जैसे मैं आउटपुट को जैसे जैसे मैं आउटपुट को क्या करूँगा डबल करूँगा, जैसे जैसे मैं आउटपुट को डबल करूँगा मेरा जो 90% लर्निंग का मुझे बताएगा कि भाई आपका जो एवरेज टाइम टेकन है वो क्या होगा 90% रह जाएगा प्रीवियस लेवल का, राइट। लेकिन क्या हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरा आउटपुट जो है 15 है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई 15 यूनिट्स को बनाने में मेरा जो है एवरेज टाइम कितना लग रहा है, 15 यूनिट्स को बनाने में मेरा जो है एवरेज टाइम कितना लग रहा है, ये क्वेश्चन अगर पूछ ले तो क्या होगा। तो उसके लिए एक क्वेश्चन दे रखा है इन लोगों ने, क्या है वाई इक्वल्स टू ए टू एक्स टू द पावर बी। अच्छा इसका मतलब क्या है, वाई का मतलब है कि भाई एवरेज टाइम टेकन ये जो अपन निकाल रहे हैं ना यही है, वाई का मतलब क्या है कि भाई एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 15 यूनिट्स, एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस यूनिट। अपन इधर क्या करा, अपन निकाले कि भाई एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 8 यूनिट्स, एवरेज टाइम टेकन प्रोड्यूस टू 16 यूनिट्स, एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 4 यूनिट्स, एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स एंड एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। तो यह है एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 15 यूनिट्स इक्वल्स टू ए क्या दे रखा है, ए का मतलब होता है कि भाई लेबर आर्स रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट। इसका आप लिख लो कि भाई है लेबर आर्स रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट, लेबर आर्स रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट। अच्छा एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब अपन लिखाते हैं आपको, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट, तो एक्स का मतलब हो जाएगा 15। अपन नंबर ऑफ यूनिट्स का 15 मतलब मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब आपको मैं लिखा देता हूँ इधर देखो, बी का मतलब होता है लर्निंग कोएफिशिएंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग ऑफ लर्निंग रेशियो, लॉग ओके प्लीज रिस्पॉन्ड प्लीज रिस्पॉन्ड। 36 मिनट की वीडियो हो चुकी है वैसे ही, ठीक है। लॉग ऑफ लर्निंग कर्व अपॉन लॉग ऑफ लर्निंग कर्व अपॉन लॉग ऑफ आपका हो जाएगा 2। और जो लॉग ऑफ लर्निंग कर्व का मतलब है लॉग ऑफ 90%, अपने एग्जांपल में क्या लिया लॉग ऑफ 90%, लर्निंग कर्व कितना है मेरा 90 है, तो मेरा क्या होगा लॉग ऑफ 90% अपॉन लॉग ऑफ 2। आपको पूरा इक्वेशन समझ में आ गया, वाई इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर बी, वाई का मतलब क्या है एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। तो लर्निंग रेशियो तो मुझे बताता है कि भाई आपको को आप डबल डबल कर दोगे तो एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस सिंगल यूनिट कितना आएगा, लेकिन क्या हो कि भाई मुझे 15 है, 15 का तो डबल अपन को नहीं मिल रहा ना टेबल में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा इस फॉर्मुले को यूज करना पड़ेगा। और ये फॉर्मुला मुझे क्या बताएगा, वाई इक्वल्स टू ए टू द वाई इक्वल्स टू ए इंटू एक्स टू द पावर बी। और सबका मैंने आपको बता दी कि सबकी वैल्यूज का मतलब क्या क्या होता है। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, अच्छा इसको अपन सॉल्व करते हैं अपन, अपन ने देखा कि भाई वाई का फॉर्मुला क्या है, वाई इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर बी, ए का मतलब क्या है टाइम टेकन, इधर लिखा है लेबर आर रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट के लिए कितना है 100, 100 इंटू एक्स क्या है एक्स का मतलब है आपका देखो एक्स का मतलब 15, तो 100 इंटू 15। बी का अपन निकालते हैं, बी अपन निकालते हैं, बी का मतलब क्या है लॉग ऑफ 90% और लॉग ऑफ 2। ये तो क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन आपको हिंट डायरेक्टली दे रखा होगा, तो इसमें आंसर आएगा अपना नेगेटिव 0.152, ठीक है। तो इधर मैंने कहा नेगेटिव 0.152। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 100 करो इंटू 1 डिवाइड बाई 15 कर दो इसको 0.152, ठीक है। आपने 1 डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू 0.152 कर दिया, राइट। 1 डिवाइड बाई 15 हाँ अपने सही करा है ना कि भाई 2 टू द पावर -3। हाँ 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3 यही होगा ना, हाँ ठीक है यही होता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, बाई आपका निकल के आएगा करीबन 66.26। ये आपका वाई आ गया, वाई का मतलब क्या है एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 15 यूनिट्स, एवरेज टाइम है एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 15 यूनिट्स। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप ना रूट 14 टाइम्स करोगे, देन इसमें दे रखा है -1 इंटू पावर +1, ठीक है, और इंटू इक्वल्स टू 14 टाइम्स। कि आप जैसे करोगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, और इंटू 100 करोगे तो आपका जाएगा एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 15 मिनट्स। तो ये है एवरेज टाइम, तो 15 इंटू अगर मैं करूँगा 66.26, तो ये कितना बैठेगा करीबन आपका बैठेगा आंसर ये कितना बैठा ये सॉल्यूशन करने कर रखा है 1049.76, ठीक है। तो ये दे रखा है कि भाई टोटल 15 यूनिट्स को बनाने में जो है टोटल कितना समय लगेगा इतना। अच्छा 16 यूनिट्स को बनाने में टोटल समय कितना लग रहा है 1049, अपन को जोड़ कर देना, हाँ ये इसको गड़बड़ है, ये ऐसा नहीं होगा। 15 into 66.26 करोगे तो आ रही है 15 into 66.26 करोगे तो आपका बैठेगा ये 993.9, ठीक है। आर बी श्योर, हाँ राइट, ये बैठेगा आपका 993.9। अच्छा ये तो हो गया 15 यूनिट्स, 16 यूनिट्स के लिए अपना कितना समय लग रहा है 1049, तो 1049.76 16 के लिए लग रहा है, 15 के लिए लग रहा है 993.9। तो जो है 16th यूनिट को बनाने में कितना समय लगेगा, तो 1049.76 लेस करा मैंने 993.9, यहाँ से बैठेगा आपका 55.86। आपको कहानी समझ में आ गई, अगर नहीं समझ आई तो इस वीडियो को रिवाइंड करना। लर्निंग रेशियो मुझे ये बताता है कि भाई
आपका एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट कितना होगा, ठीक है। अगर डबल कर दोगे तो आप डायरेक्टली टेबल से निकाल सकते हो, डबल कर दोगे तो डायरेक्टली टेबल से निकाल सकते हो, लेकिन अगर डबल फिगर नहीं दे रखा आपको, जैसे 15 दे रखा है, 15 को आप डबल नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए फॉर्मल बनता है वाई इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर बी। वाई का मतलब है एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 15 यूनिट्स, एक्स का मतलब है लेबर आवर्स रिक्वायर फॉर फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट का आपने क्वेश्चन में दे रखा होगा, एंड एक्स का मतलब है कितना नंबर ऑफ यूनिट्स का आप निकालना चाहते हो 15 का, एंड बी का मैंने बताया लॉग ऑफ रनिंग कब अपॉन लॉग ऑफ टू, लॉग ऑफ 90% अपॉन लॉग ऑफ टू, हमेशा क्वेश्चन आपको बी की वैल्यू देगा, बी के लिए हमेशा क्वेश्चन में देगा, उसकी वैल्यू मैंने पुट करी, मुझे पता चल गया कि भाई एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 15 मिनट्स आया 66.26। ये तो क्या आया एवरेज टाइम निकल, एवरेज टाइम आया टू प्रोड्यूस 15 मिनट्स, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 15 इंटू 66.26 कितना निकल के आएगा 993.9। अच्छा मुझसे क्वेश्चन में जनरली यही पूछता है कि भाई 16th यूनिट को बनाने में कितना समय लग रहा है, तो मैंने कहा कि भाई 15 मिनट्स को बनाने में टोटल समय लग रहा है इतना, 16 यूनिट्स को बनाने में टोटल समय लग रहा है इतना, तो 16th यूनिट को बनाने में समय लगेगा दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 55.86। आई होप आपको जो है लर्निंग का पूरा समझ आया होगा, पूरा मेथड क्या है ये कुछ नहीं है, बस आपको ये बताता है कि जैसे जैसे आप अपने आउटपुट डबल करते जाओगे एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस सिंगल यूनिट आपका जो है क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और वो आपको क्वेश्चन में जनरली देगा कि भी लर्निंग कर्व कितना है, 90% है, 80% है, 70% है, 60% है, बी की वैल्यू में हमेशा आपको जो है क्वेश्चन में देगा। अच्छा मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी समझा देता हूँ लॉग की, वो भी काम की है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन, लॉग ए, तो लॉग ए बी, लॉग ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी, फिर आप देखना लॉग ए डिवाइड बाई बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये लिख लेना अपनी किताब में यार, इंपॉर्टेंट है, लॉग लॉग ए टू द पावर बी का फॉर्मूला होता है बी लॉग ए, बी लॉग ए, और देख लेना आप लॉग वन होता है आपका जीरो, लॉग वन होता है जीरो, फिर लॉग टेन होता है आपका वन, लॉग वन हो गया जीरो, लॉग टेन हो गया वन, एंड लॉग टू वन, लॉग हंड्रेड कितना हो गया टू, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, इन ये प्रॉपर्टीज को लिख लेना ये काम की है, ठीक है, प्रॉपर्टीज को आप लिख लेना ये काम की है। अब आई थिंक आप पूरा समझ गए होंगे कि भाई अपने को जो है लर्निंग का कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपको जो है बता देता हूँ अपना जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछ रखा था। अच्छा अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझते जाना, क्वेश्चन में मुझे जो है 5000 यूनिट्स बनानी है, ठीक है, मेरा बैच साइज कितना है, मेरा बैच है कितने का 100 यूनिट्स का, मेरा बैच है 100 यूनिट्स का। अच्छा फिर उन्होंने क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो बड़े ध्यान से पढ़ना, क्या बता रखा है कि भाई कितने मिनट की वीडियो होगी भैया ये 40 मिनट की, ओके। अच्छा अपन चलते हैं क्या देखना उसमें क्या बोल रहा है कि भाई फर्स्ट बैच ऑफ 100 यूनिट्स जो है कितना समय लेगा 1000 आवर्स, मैं लिख लेता हूँ कि भाई अपना जो फर्स्ट बैच है, फर्स्ट बैच जो है जिसके अंदर कितनी 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है वो कितना समय लेगा 1000 आवर्स लेगा, राइट 1000 आवर्स लेगा। आगे बढ़ते हैं, देर विल बी 80% लर्निंग कर्व दैट विल कंटिन्यू अंटिल 2500 यूनिट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो मुझे बात बताओ कि इन लोगों ने कहा कि भाई आपका जो लर्निंग कर्व है वो कितना है 80% है, और ये कब तक चलेगा 2500 यूनिट तक चलेगा, 2500 यूनिट तक चलेगा, 2500 यूनिट के बाद एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस एवरी सिंगल यूनिट सेम ही रहेगी, मतलब लर्निंग का भी एक एक्सटेंड तक ही खींच सकता है ना, ऐसा नहीं है ना कि भाई एफिशिएंसी इंक्रीज होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, एक समय के बाद आपका लर्निंग कर्व का इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो इसने कहा कि 2500 यूनिट्स तक, मतलब 2500 डिवाइड बाय अगर मैं 100 करता हूँ कितना होता है ये 25 बैचेस तक इन लोगों ने क्या कहा कि भाई आपका लर्निंग कब रहेगा, और उसके बाद एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस सिंगल बैच सेम ही रहने वाला है। तो आप आगे देखो क्या दे रखा है, बैचेस आफ्टर दिस टेबल विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज 25वां बैच, ठीक है, तो एंड बैच साइज जो है 100 यूनिट। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर अपन निकालेंगे कि फिर अपन देखेंगे इस इन लोगों ने क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। अच्छा एक और चीज़ इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखो ये रहा एवरेज टाइम टेकन फॉर 24 बैचेस कितना है, एवरेज टाइम टेकन फॉर 24 बैचेस कितना है 359.4। अब देखना अपन निकालते हैं वाई इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर बी, वाई क्या होता है कि भाई एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 625 बैचेस, ए का मतलब क्या है कि भाई पहले बैच को मान में कितना समय लग रहा है तो 1000 घंटे, इंटू एक्स कितना दे रखा है, एक्स का मतलब होता है मुझे 25 निकालना है, एंड बी का मतलब मैंने आपको बताया था, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है लॉग ऑफ लर्निंग, तो अपन बी का मतलब लिखता हूँ, बी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, बी का मतलब होता है लॉग ऑफ 80% अपॉन करेंगे अपन लॉग ऑफ टू, राइट, लॉग ऑफ 80% अपॉन करेंगे लॉग ऑफ टू, सही बात है। अच्छा अब सॉल्यूशन में आ जाओ एक बार, क्वेश्चन आपको सब कुछ दे रखा है, देखो ये रहा लॉग टू कितना है, लॉग थ्री कितना है, लॉग फाइव कितना है, एंटी लॉग एंटी लॉग काम का नहीं है आपका। अच्छा देखो लर्निंग कोएफिशिएंट खुद ही इन लोगों ने बता रखा है कितना है 0.332, खुद ही दे रखा है, बी का मतलब इन लोगों ने बी इन्फॉर्मेशन खुद ही दे दी, -0.322, तो अपन डायरेक्टली यूज़ करते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा ये 1000 × 25, ठीक है, और बी की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, बी की जगह आप यूज़ करोगे -0.322, ठीक है, -0.322 अपन ने यूज़ करा। अब आ जाते हैं अपन सॉल्यूशन में, देखो वही कर रखा है इन लोगों ने 1000 × 25 × 0.322। अच्छा अपन ने एक प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी, लॉग ए टू द पावर बी क्या हो जाता है, बी लॉग टू द पावर ए, सॉरी बी लॉग इंटू ए, तो 1000 हो गया, इंटू मैंने करा, ये नीचे आ जाएगा, ओके एक सेकंड, अपने कुछ गड़बड़ करिए इधर, एक सेकंड, हाँ ओके डन, जस्ट अ सेकंड, मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हाँ
हाँ तो अपन कहाँ थे, अपन को क्या करना पड़ेगा, इन लोगों के पैटर्न से फॉलो करना पड़ेगा ताकि अपने को आंसर सेम मिले। तो अपना क्या बैठा ये वाई इक्वल्स टू 1000 इंटू इतना, तो मेरे को सबको लॉग से मल्टीप्लाई करूँगा, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग 1000 इंटू लॉग 25 टू द पावर नेगेटिव 0.322। अच्छा अब अपन को ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, लॉग ए टू द पावर बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी लॉग ए, तो मैं क्या करूँगा इसको लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग 1000 इंटू ठीक है माइनस 0.322 ठीक है इंटू लॉग 25। इधर तो आ नहीं समझ में आ गई आपको, अच्छा अब देखना, ओहो तो आपको लिखा देता हूँ मेरे अपन ने इधर क्या लिखा है, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग 1000 ठीक है इंटू लॉग 25 माइनस 0.322 है। ओहो रोहन पॉइंट क्या हो गया इसको, हैंग हो गया बताओ, अरे अरे भाई वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड, मजाक नहीं भाई मजाक नहीं, 0.322 ठीक है इसको थोड़ा उड़ा ही रहते हैं। अच्छा लॉग 1000 में बताया था, देखो लॉग 1 होता है 0, लॉग 10 होता है 1, लॉग 100 होता है 2, तो लॉग 1000 कितना हो गया 3 हो गया ठीक है, इसको ले लो 3 ठीक है। अच्छा अपन ये क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे इंटू 0.322 इंटू लॉग 25 राइट, ये हो गया मेरा लॉग वाई, ऐसे कर रखा है ना इन लोगों ने बेवकूफ़ों ने, इन लोगों ने पैटर्न को इस तरह से कर रखा है, इन लोगों ने इस तरह से क्यों कर रखा है, क्योंकि इन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन रखी है ना लॉग 2 लॉग 3 लॉग 5 उसको अपन को यूज़ करना पड़ेगा, तो अपन को ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा अब देखना आपको इधर से डायरेक्ट करा देता हूँ, देखो ये रहा लॉग वाई क्या करा मैंने, लॉग 1000 इंटू लॉग 5 लॉग 1000 ठीक है इंटू 25 इंटू ये करा मैंने, सबको लॉग से मल्टीप्लाई करा, फिर लॉग को मल्टीप्लाई कर, जो मैंने लॉग को मल्टीप्लाई कर दिया था ये वाला पॉइंट में नीचे लेके आ गया, ये करा है लॉग 1000 इंटू लॉग 25 राइट ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आ गया ठीक है ये करा इन लोगों ने, पहले तो लॉग से सबको मल्टीप्लाई करा, फिर मैंने इसको ये 0.32 को नीचे लेके आ गया, फिर मैंने क्या करना है जो लॉग 25 है, तो देखो अपन ने इधर चीज़ पढ़ रखी थी क्या लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग 25 क्या हो जाएगा, लॉग 25 हो जाएगा लॉग 5 प्लस लॉग 5 ठीक है, तो ये क्या होगा 2 लॉग 5 हो जाएगा ये राइट, ऐसे ही हो जाएगा ना, देखो लॉग 25 को लॉग 5 प्लस लॉग 5 2 लॉग 5 कर दिया, लॉग 5 पे लो कुछ में दे रखी आपको देखना, अरे मूर्खो कहाँ गए, मिल जाओ वही मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, बताओ 50 मिनट लग गए आपको या 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन आप क्या करें यार कॉन्सेप्ट ही इतने बड़े बड़े हैं, बच्चों जैसे तो है नहीं ये कॉन्सेप्ट कि यार 5-5, 10-10 मिनट में हो जाएंगे, अरे भैया क्वेश्चन मिल जाए यार, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो यार, बच्चों का समय बहुत कीमती है। हाँ ये रहा देखो लॉग ऑफ 5 अपने को बता रखा है कितना 0.689897 जो भी है, तो मैंने लॉग 5 को यूज़ करा, इसको सॉल्व करा ठीक है, और फिर मैंने एंटी लॉग ऑफ इतना निकाला, एंटी लॉग भी क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये रहा एंटी लॉग ऑफ, देखो ये रहा 2.4 कितना है 354.7 ठीक है, तो 354.7 आ गया, तो मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, अपन ने क्या निकाला कि भाई एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 25 बैचेस कितना आ रहा है इतना, विच मीन्स टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 25 बैचेस हो जाएगा इतना ठीक है, टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 25 बैचेस कितना हो गया मेरा इतना राइट। अच्छा मुझे क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 24 बैचेस दे रखा है इतना, तो मतलब 24 बैचेस को टोटल बनाने में मेरा कितना समय लगेगा इतना, विच मीन्स अगर इसको मैं इसमें से लेस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा टाइम टेकन फॉर 25th बैच ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपना टाइम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा डेफिनेट समझा रहा नहीं हूँ आपको, लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि भाई वाई का मतलब क्या हुआ कि भाई एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 25 बैचेस कितना है 354.7, मतलब टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा एवरेज इंटू 25 कितना हो गया 8867.5, टोटल टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 25 बैचेस क्वेश्चन में दे ही रखा है तो मेरे को पता चल गया टाइम टेकन फॉर 25 बैच। अच्छा मैंने ऐसे माथा क्यों करी, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा है कि भाई 1 से लेके 25 बैचेस तक आप क्या करोगे, जो आपका समय है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो 24 से लेके 25 बैच मतलब जो 25th बैच को बनाने में समय लगेगा ना वो सेम ही रहेगा, वो सेम ही रहेगा 85 बैच तक के लिए ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है आई थिंक, और आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैंने आपको इधर बताया था एक चीज़ जो मैंने लिखवाई थी, हाँ क्या हाँ इधर नहीं है ठीक है, मैंने आपको आई थिंक उधर में लिखाया था हाँ देखो ये रहा, मुझे 50 बैच बनाने, 50 में से लोगों ने क्या रखा है कि भाई 25 बैच तक काम कर लो आप, और फिर सेम अमाउंट ऑन टाइम है 25 बैचेस, मतलब बैचेस आफ्टर दिस लेवल, मतलब 25 बैच के बाद जो भी समय लगेगा
25 बैच के बाद जो भी समय लगेगा वो 25वें बैच का समय है ना वही सेम रहेगा, मेरी बात समझ गए आप। तो मैंने 25वें बैच का निकाला समय कितना लग रहा है 241.8। तो मुझे बताओ पहले जो 25 बैचेस थे उसमें टोटल आज कितने लगे 8867.5, ठीक है। अब मेरे पास ये तो हो गए 25 बैच के, बाकी के 25 बैच के कितना हो जाएगा 25 इंटू कर दो आप, ये रहा 241.9। 241.9 ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है कि जो 25th बैच बनाने को समय लग रहा है वो 26 लेके 50 तक सेम ही रहेगा। तो इसको मैंने टोटल कराते मेरे टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स आ जाएंगे इंटू मैं 6 कर दूंगा। देखो वही करा इन लोगों ने 8867.5 प्लस दिस इंटू 6, ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एक आर का जो है आपको 6 रुपये देना पड़ता है। तो मेरा जो है डायरेक्ट लेबर निकल के आ गया इतना। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी, आधा घंटा लग गया आपने को ये लर्निंग आपको समझने में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा इसके जो टी बाय के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, लेक्चर नंबर 3 में। ऑल राइट, उससे पहले जो है आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने जो है कलीग्स तक शेयर करना ताकि वो उनको भी जो है फ्री में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, राइट। अच्छा जो एक इलस्ट्रेशन छोड़ा था वो भी मैं आपको जो है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करा दूंगा, मतलब जब वो क्वेश्चन करेंगे अपन वो वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज जो इसका थर्ड पार्ट है जिसमें अपन सारे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन कर देंगे वो अपना इवनिंग तक आ जाएगा। सो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है उसको ज्वाइन कर लो, उस ग्रुप को ज्वाइन करके जो है उधर आप डाउट्स उनसे पूछ सकते हो। ऑल राइट, बाय बाय।